दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कई नेता जेल में हैं। इन्हें तिहाड़ के अलग अलग जेलों में रखा गया है। इनमें ताजा नाम दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का है। 1 अप्रैल को केजरीवाल को कोर्ट ने 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इसके बाद केजरीवाल को तिहाड़ जेल लाया गया और यहां उन्हें जेल नंबर 2 में रखा गया है। इस मामले में तिहाड़ में पहले से दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, आप सांसद संजय सिंह और तेलंगाना के पूर्व सीएम केसीआर की बेटी के कविता बंद थे, लेकिन अब सांसद संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। वो पिछले 6 महीने से तिहाड़ जेल में बंद थे, लेकिन केजरीवाल के तिहाड़ जाने के बाद फिर से इस मामले में वहां बंद नेताओं की संख्या 3 हो गई है। गौर करने वाली बात ये भी है कि केजरीवाल को तिहाड़ के जिस जेल में रखा गया है उसके पड़ोस में कई खुखार अपराधी मौजूद हैं। जानकारी के मुताबिक तिहाड़ की जेल नंबर 2 में जहां अरविंद केजरीवाल बंद हैं, उसी जेल में फिलहाल अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन बंद है। उसे जेल नंबर 2 की हाई रिस्क वार्ड में रखा गया है। हाई रिस्क वार्ड जेल का सेपरेट हिस्सा है, इसकी एंट्री और एग्जिट भी अलग होती है। छोटा राजन के अलावा जेल नंबर 2 के हाई रिस्क वार्ड में कुख्यात गैंगस्टर नीरज बवाना भी बंद है। बवाना पर दिल्ली में हत्या के कई केस दर्ज हैं। एनआईए ने भी नीरज बवाना पर केस दर्ज किया है। इसके अलावा जेल नंबर 2 में एक कुख्यात आतंकी जियाउर रहमान भी बंद है। हालांकि केजरीवाल को हाई रिस्क वार्ड में नहीं रखा गया है, बल्कि एक जनरल एरिया में बने बैरक में रखा गया है, जो हाई रिस्क वार्ड से काफी दूरी पर है। वहीं आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले को लेकर तिहाड़ में बंद दूसरे नेताओं की बात करें तो आपके वरिष्ठ नेता और पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के बारे में बताया जा रहा है कि उन्हें जेल नंबर 1 में रखा गया है। वहीं आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह को जेल नंबर 5 में रखा गया था, लेकिन अब उन्हें जमानत मिल चुकी है। मामले में बीआरएस की एमएलसी के कविता को 9 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। उन्हें जेल नंबर 6 में रखा गया है। इसके अलावा केस में एक और आरोपी विजय नायर जेल नंबर 4 में बंद है। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को तिहाड़ जेल की 7 नंबर जेल में रखा गया है। सभी आरोपियों की जेल अगल बगल है, लेकिन कोई भी एक दूसरे से नहीं मिल सकेगा। उम्मीद कम ही है कि अंदर इनकी कोई बैठक हो पाएगी, क्योंकि एक ही दीवार के पीछे होते हुए भी सभी जुदा होंगे। बता दें कि अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को ईडी ने गिरफ्तार किया था, जिसके बाद वो 1 अप्रैल तक उसकी हिरासत में रहे। ईडी की हिरासत खत्म होने के बाद उन्हें विशेष जस्टिस कावेरी बावेजा की अदालत में पेश किया गया। ईडी ने उनकी 15 दिन की न्यायिक हिरासत मांगी। कोर्ट ने केंद्रीय जांच एजेंसी की याचिका मंजूर कर ली। इसके साथ ही 15 अप्रैल तक अरविंद केजरीवाल का नया पता तिहाड़ जेल नंबर 2 हो गया है। टाइम्स नाउ ऑफ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।